आवाज न्यूज के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं सबसे बड़ी सनसनीखेज खबर जो राजस्थान के अंदर इस समय चर्चा में है। राजस्थान पुलिस की एजेंसी SOG जिसे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप भी कहा जाता है, इसके द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाएगी। और ताबड़तोड़ कार्रवाई के दौरान आपको बता दें कि राजस्थान पुलिस एक ऐसे पुलिस वाले की तलाश कर रही है जो पुलिस वाला बनकर अब अपराधी बन चुका है। एक समय के अंदर यह पुलिस वाला अपराधियों को गिरफ्तार करता था, लेकिन आज वह खुद गिरफ्तार होने के कगार पर है। और आपको बता दें राजस्थान के अंदर पेपर लीक के मामले लगातार खुलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के खुलासे को लेकर SOG की एक बड़ी कार्रवाई सामने भी आई है। और इसी के दौरान आपको बता दें कि SOG की इस बड़ी कार्रवाई के अंदर यूनिक बाबू जो राजस्थान के झुंझुनू जिले के रहने वाला है, जिसने राजस्थान के अंदर होने वाली परीक्षाओं में 500 डमी अभ्यर्थियों को बैठा दिया और सब लोगों को पास करवा दिया। सरकारी नौकरी की अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि यूनिक बाबू खुद भी सरकारी कर्मचारी है और से के साथ में उसकी पत्नी भी सरकारी कर्मचारी है, साथ ही उसका भाई और उसकी भाभी भी सरकारी कर्मचारी है। जैसे ही उसे जानकारी लगती है कि राजस्थान पुलिस और SOG की टीम उसे पकड़ने के लिए, उसे गिरफ्तार करने के लिए आ रही है, वह यूनिक बाबू दुबई भाग जाता है। आखिर कौन है यूनिक बाबू? इस पूरी कहानी के अंदर, पूरी स्क्रिप्ट में आज आवाज़ न्यूज़ की कहानी और यूनिक बाबू की पूरी कहानी को हम आज आपको बताने चाह रहे हैं। सरकार ने 25,000 से लेकर 1,00,000 रुपए का इनाम देगी। यूनिक बाबू का परिवार मूल रूप से झुंझुनू जिले का रहने वाला है। उसके पिता की पोस्टिंग चूरू में थी, इसी कारण चूरू की पुनिया कॉलोनी में रहता था। आरोप है कि उसने करीब 500 से भी ज्यादा लोगों को डमी अभ्यर्थी बिठाकर सरकारी नौकरी लगवाई। इसके एवज में करोड़ों रुपए कमाए। वह खुद भी पहली बार वनपाल लग गया था। पहली पोस्टिंग उदयपुर में थी। वनपाल लगा तो उसके पास वह कार थी जो वन अधिकारी तक के पास नहीं थी। उसके पत्नी और भाई भी सरकारी नौकरी में, सभी की जांच की जा रही है। यूनिक बाबू ने हाल ही ऐसा ही भर्ती परीक्षा में कई डमी अभ्यर्थी बिठाए और नकल का बंदोबस्त किया, इसी कारण इसकी तलाश लगातार जारी है।